अस्सलामुअलैकुम। सो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं इतना सारा, और हमेशा ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, इस वजह से जो है हमारे पास जो है वो गुर्बत है, हमारे उसमें जो है वो निज़ाम ठीक नहीं है, हमारी पुलिस ठीक नहीं है, हमारे सारे मसाइल इस वजह से। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। पाकिस्तान में जो है ना तीन किस्म की कैटेगरी है, एक गरीब बंदा है, एक मिडिल क्लास है और एक अमीर तबका है। ठीक है, इमारत में आप नवाज शरीफ को डाल लो, आप इमरान खान को डाल लो, आप जरदारी को डाल लो, आप मलिक रियाज को डाल लो, ठीक है। और गरीबों में आप वो बंदा जो मिडिल क्लास से नीचे आता है, जो फैक्ट्री वर्कर है, ये सारे बंदे। फिर आती है मिडिल क्लास जो कि भाई ये आप थोड़े गुलशन की तरफ चले जाओ, डिफेंस में जो नॉर्मल बंदे रहते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं है, वो उन लोगों को डालो। अब मैं तो बताता हूँ सारा मुल्का जो पूरे मुल्क का वजन है उठा कर डाला हुआ है मिडिल क्लास के ऊपर। अमीर वैसे टैक्स नहीं देता, ठीक है, अगर टैक्स में वो पकड़ा भी जाए वो महंगे महंगे वकील हायर कर लेता है, वो अदालतों में सामान घुमाता रहता है 20-30 साल तक। अगर वो टैक्स देता भी है तो उसको कुछ परसेंट देता है, अगर नहीं देता तो फिर क्या होता है गवर्नमेंट को जो पैसे की ज़रूरत होती है एमनेस्टी स्कीम के नाम पे एक स्कीम डाली जाती है, उसमें ये होता है कि भाई आपने पैसे कैसे कमाए, क्यों कमाए, कब कमाए, आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस जितने हैं आपके पास थोड़े बहुत दे दें हमें ताकि हमारा निज़ाम चले और आप लीगल हो जाएंगे। अमीर तो ऐसे बच जाता है एमनेस्टी स्कीमों के नाम पर। ठीक है, इमरान खान बहुत बड़ा खिलाफ रहा था कि मैं एमनेस्टी स्कीम्स नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, ये गरीब पे बोझ है, ये है, हुकूमत में वो भी बदल गया, उसने भी एमनेस्टी स्कीम्स दी। फिर आज जो गरीब में गरीब के पास इतना पैसा ही नहीं होता, वो बेचारा भूखी रोटी जो है वो, फिर आज ज़रा गरीबों की तरफ, गरीबों के पास बेचारों के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो किसी चीज़ पे खर्च कर सकें, वो टैक्स दे सकें, वो बेचारा इतने कमा के लाता है कि गुजारा हो जाए, और बहुत से लोग तो ऐसे में बेचारे भूखे सो जाते हैं। ठीक है, बस ये मिडिल क्लास में फूड पांडा के ऊपर भी टैक्स दे रही होती है, वही उठा के जो है वो आपके पास पेट्रोल पर भी वही टैक्स दे रही होती है, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी वही टैक्स दे रही होती है, कपड़े की खरीदो फरोख्त पर भी वही टैक्स दे रही होती है। ठीक है, वो जॉब के ऊपर भी टैक्स दे रही है, वो सैलरी पे भी टैक्स दे रही है, वो जो बेचारे फैक्ट्री के मालिकान हैं वो चुप करके बैठे हैं, वो गवर्नमेंट को छोटे बहुत पैसे देते हैं एमनेस्टी स्कीम के नाम पे काम चला रहे हैं अपना, उसके मुकाबले जो बेचारा मिडिल पर्सन है, जो मिडिल क्लास है, वो बेचारी पिसे जा रही है हर जगह पर। अब मैं सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ मिडिल क्लास को कितना हद तक चूना लगा के चूसा जाता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है ना वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ऐसे है कि एक क्या कहते हैं उसको, पैसे की गाय है, जिसको जिस हद तक निचोड़ सकते हैं निचोड़ लो, भाड़ में जाए उसकी हेल्थ कैसी भी है। ठीक है, बस उससे जितना सोना निकल सकता है, जितना निकाल सकते हो दूध निकालो वाला सीन है। अब आपको मैं सिर्फ आपको गाड़ी के सिस्टम का बताता हूँ। जब एक मिडिल क्लास का बंदा है ज़्यादातर गाड़ियाँ लेता है, जी मिसाल के तौर पे महरान ले ली, आल्टो ले ली, निक्रोला ले ली, ज़्यादा मिडिल क्लास क्रोला ले लेती है, और उनके ख्वाब पूरा हो जाता है कि भाई हमने क्रोला ले ली। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ करोला का सिस्टम समझाता हूँ। करोला की कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 45 लाख रुपये की करोला है। जब ख़रीदने जाते हो गाड़ी, जब बनती है, ठीक है जी, इंडस टोयोटा जब गाड़ी बनाती है तो होता क्या है कि भाई उस गाड़ी की जो मिसाल के तौर पर 45 लाख रुपए कीमत है तो 40% गवर्नमेंट टैक्स उठा लेती है। 40% का मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, 40% 20 लाख रुपए तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ले गई। जब आपने गाड़ी बनी, अभी आपने ख़रीदी नहीं है, ठीक है, जब गाड़ी बनी और ख़रीदी गई, अभी गाड़ी रजिस्टर नहीं हुई, ठीक है, फिर आप अपने नाम पर गाड़ी करवाना चाहते हो, फिर आपसे गवर्नमेंट 1.5-2 लाख रुपये टैक्स ले लेती है। ठीक है, फिर आप जब गाड़ी चलाते हो तो सालाना, फिर आप सड़कों के नाम पे टैक्स देते हो सालाना, टोकन के नाम पे टैक्स देते हो। ठीक है, जो सड़क आपके पाकिस्तान की कैसी, कराची की सड़कें ले लो, ठीक है, कोई कार चलने की काबिल है, जंप हिला देती है, कोई बंद गाड़ी, यहाँ पर कोई स्पीड रोड ऐसा है जहाँ पे 60 की स्पीड पे बंदा चला सके। फिर आप शहर से दूसरे शहर जाते हो, ठीक है, तो फिर आप टैक्स देते हो टूल टैक्स के नाम पर, जी हाईवे वाले, हम इस्लामाबाद की सड़कें हैं जी, हम इस्लामाबाद वाले टैक्स लेंगे, इस्लामाबाद गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है जी टूल टैक्स के नाम पर। पहले गाड़ी बनी उस पर आपने टैक्स लिया, गाड़ी रजिस्टर हुई उस पर आपने टैक्स लिया, ठीक है, गाड़ी चली, सड़कें तो आप बना के नहीं दे रहे लेकिन जो बनी हुई है उसका फजूल का टैक्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसका सालाना टैक्स भी दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो पेट्रोल डलवाया, ठीक है, अब पेट्रोल यार अब गरीब बंदा है, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो कि वायरिंग करता है या इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, उस बेचारे की सैलरी कितनी होती, 30 से 40 हज़ार रुपये उस बेचारे की सैलरी होती है, उसे गुजारा कर रहा होता है, वो भी उस पेट्रोल के 50 से 60 रुपये का पेट्रोल है उस पर, ठीक है जी, 106-107 रुपए के हिसाब से 50 रुपये टैक्स दे रहा होता है। एक वो अमीर बंदा जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे बेशक 500 रुपये लीटर ले लो, ठीक है, जिसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उससे चलो 50-60 रुपए एक लीटर के ऊपर तुम टैक्स लो समझ में आता है। लेकिन ये गरीब बंदा जो बेचारा अपने मतलब हैंड टू माउथ वाला इंसान है, ठीक है, जो कमाएगा वो खाएगा वाला सीन है, जमा करने की तो हिम्मत नहीं है उसमें, अब उससे भी उतना ही टैक्स ले रहे हो। ठीक है, तो आप मिडिल क्लास को पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ जस्ट अ क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा गाय समझती है जिसको जिस हद तक निचोड़ा जा सकता है उसको निचोड़ लो, ठीक है, और ना अमीर को पूछा जाता है ना गरीब बेचारा वैसे ही पिसा हुआ होता है, और गरीब को जो भी कुछ भी हो गरीब ने पिसना ही है, ठीक है, और दूसरा फिर ये क्या कहा जाए, ठीक है जी, टैक्सेशन का मुझे मैंने बताया गाड़ियों के ऊपर कितनी है,
बनी आपने दी, खरीदी आपने दिया, चलाई आपने दिया, पेट्रोल डलवाया आपने टैक्स दिया, गाड़ी की मरम्मत हुई उस पर पार्ट्स के ऊपर आपने टैक्स दिया, ठीक है, फिर गाड़ी की सर्विस करवाने पे सर्विस स्टेशन गया तो वहाँ पे भी आपने टैक्स दिया, गाड़ी के अंदर हवा भरवाई या कुछ भी किया ऐसी चीज़ जो कि किसी आप मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल पम्प से जाके हवा भरवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने उस पर भी टैक्स दिया। देखिए टैक्सिंग टैक्सिंग हर जगह पर टैक्सिंग, लेकिन गवर्नमेंट हमें नज़र कहाँ आती है, ठीक है, गवर्नमेंट नज़र आना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ, सरकारी हॉस्पिटल्स का जो हाल है मुझसे ज़्यादा बेहतर तो नहीं आता कि हमने अंदर काम करते हैं, ठीक है, अल्लाह माफ़ वाला सीन है, बच गया तो तुम्हारी किस्मत सही है, पर नहीं बचे तो अल्लाह अल्लाह, ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई फंडिंग्स नहीं आती ढंग की, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कोई मार ले क्या कर ले, दवाइयाँ ख़राब हो जाएँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा जी बच्चा जब पैदा हुआ, दाइयाँ बेचारियाँ डिलीवरी करा रही होती हैं पाकिस्तान में, सही है, शहरों के अंदर तो चलो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढंग के नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने दिया है, ठीक है जी, या फिर दाई के पास आपने डिलीवरी करी, जब पैदा हो गया इब्तदाई जो उसकी तरबियत है, स्कूलिंग वगैरह है, वो भी आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स का आपको हाल पता है, बच्चा पैदा हुआ उसकी तरबियत, ठीक है, फिर आ जाओ आप इंटरमीडिएट के लिए या फिर थोड़ी सी हायर एजुकेशन की तरफ, उसमें जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो भी आपने हवाला या कॉलेज के देखे हुए, ठीक है, अगर अगर यही इंटीरियर की तरफ चला जाओ तो गवर्नमेंट का वहाँ पर भी रोल नहीं है, तो मौजूद ऐसी बात नहीं कि हॉस्पिटल मौजूद है लेकिन उनको स्टैंडर्ड नहीं है, जब वो स्टैंडर्ड नहीं है वो आज भी फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, और इंटरनेट के ज़माने में फ्लॉपी डिस्क का कभी आपने नाम भी सुना है, इस्तेमाल होती हो, ठीक है, इस किस्म का नॉलेज उन्हें दिया जाता है, उसके बाद वो ज़िंदगी में क्या काम करेंगे और क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, ठीक है, फिर उससे आगे चले जाओ नौकरियां देना, नौकरियां जी उनको मिलेंगी या तो उनके पास सिफारिश हो या फिर जो है वो बाहर से पाकिस्तान से बाहर से पड़ गया वो उसको बैठे बैठा नौकरी मिल जाएगी, वो बंदा जो यहाँ से सारी उम्र अपने आप को घिसाता रहा है। ये तो होगी चले नौकरियों की बात, ठीक है, नौकरियाँ हटा लें, इसके बाद आने सोशल सर्विसेज पे, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है जी, गवर्नमेंट का काम है कि अगर मैं नहीं कमा सकता या मैं नहीं हूँ बेरोज़गार हूँ, मुझे आके घर पर कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, गवर्नमेंट नहीं देती, ठीक है, एजुकेशन में हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि यूँ समझो कि डूबते को तिनके का सहारे वाला सीन है, ठीक है, नौकरियाँ नहीं, सोशल सर्विसेज पे आ जाओ, कुछ नहीं है भाई, आपके पास अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, ठीक है जी, कोई बच्चा है जो कि मिसाल के तौर उसके माँ बाप उसको बीट कर रहे हैं, तो वो कौन किसके पास जाए भाई, ठीक है, इसके अलावा जिसका दूध वाले का दिल करता है वो अपने पैसे बढ़ा देता है, ठीक है जी, रक्षे वाले का दिल करता है वो अपने रक्षे अपनी मर्जी से लेता है, कोई मीटर सिस्टम नहीं है रक्षों का, इवन इंडिया के अंदर आप देखो तो रक्षे वालों का एक स्पेशल यूनिफॉर्म है जो कि रक्षे वाले पहनते हैं, उनका एक मीटर है जो कि गवर्नमेंट रेगुलाइज करती है इतने किलोमीटर पर आप इतने पैसे लेने, हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ रिसेंटली की बात है, बारिशें जब हो रही थी तो वहाँ पे एक नाला था, ठीक है, मतलब रोड था उसके नीचे एक नाला था, ठीक है, अब वो पानी ज़्यादा था क्यों, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रोड जो है वो डूब गया, तो अगर कोई भी उस रोड को क्रॉस करता था, मैं अब नज़रों के सामने की बात है, तो वो घुटने घुटने पानी था, तो जो खवातीन थी वो नहीं क्रॉस कर पा रही थी, ठीक है, जो रक्षे वाले हैं सिर्फ उसको उस रोड से इस रोड पार कराने में, ठीक है, उस रोड से इस रोड पर लाने में 100-100 रुपये ले रहे थे एक बंदे का 100 रुपया ले रहे थे, ठीक है, तो आप हिसाब लगाएं कि क्या हिसाब चल रहा है पाकिस्तान में, सोशल सर्विसेज तो ठीक है, कोई सिग्नल का सिस्टम नहीं है, कोई कराची में कोई बता दे कोई सिग्नल का निज़ाम है, कोई ट्रैफिक का निज़ाम है, आप बाहर निकलें जितना मर्ज़ी आपका अच्छा मूड हो, आप एक घंटा कराची में ट्रैफिक करके ड्राइव करके हैं वापस आके देखें आपका ब्लड प्रेशर कितना पड़ा हुआ होगा, सोशल सर्विसेज नहीं है, ठीक है, फिर आपके बाद जो आप मिसाल के तौर पर आप रिटायर हो गए, अब रिटायरमेंट के बाद कौन है देखने वाला है, आपकी औलाद देखेगी, स्टेट कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है, कफन भी आपको नहीं देगी, इवन कब्रिस्तान गवर्नमेंट के कब्रिस्तान में कहीं नज़र नहीं आते, ठीक है, गुसल भी वो ईदी वाला या छिपा वाला देता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल दूर दूर तक कहीं है ही नहीं है, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई हम जो इतना टैक्सेशन देते हैं वो किस चीज़ के लिए देते हैं, मतलब क्या, मतलब हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, हम इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ्स होते हैं, हमारी जो फौज होती है उसके जितने ब्रिगेडियर्स या जनरल्स होते हैं जैसे रिटायर होते हैं वो अपना ही मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, मुझे बता दें मेरे ख्याल से कोई इजाज़ुल हक के बाद कोई एक भी ऐसा जनरल है जो कि पाकिस्तान में रुका हो, सारे भाग गए जितने भी फौज के हेड्स थे, ठीक है, वज़ीर आज़म को रुकाओ सारे भाग गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, अदालतें भी ऐसी ही हैं, मतलब किसी के बस में कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आता कि मतलब क्या क्या निज़ाम क्या, मेरी तो समझ में नहीं आता, ठीक है, बहरहाल ये मेरा छोटे से ओपिनियंस थे, अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी समझा देना।